यो व्हाट्स अप गाइस, आज के इस वीडियो में मैं जिस भी ब्लॉक पे वॉक करूंगा वो एक रैंडम ब्लॉक में बदल जाएगा और इस कर्स से बाहर निकलने के लिए मेरे को पूरा का पूरा एक डायमंड आर्मर सेट तैयार करना पड़ेगा और ये चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्यों वो तो आपको आगे की वीडियो में पता ही चल जाएगा और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लॉक भी स्पॉन हो सकते हैं जिससे मेरे को बच के रहना पड़ेगा इस वर्ल्ड में। और मेरे को जल्दी से जल्दी मेरे को 1 आवर का टाइम दिया गया कि मेरे को पूरा का पूरा एक डायमंड आर्मर का सेट तैयार करना है वरना मैं इसी वर्ल्ड में फंस जाऊँगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के ब्लॉक स्पॉन हो रहे हैं, मैं इनसे बचते रहता हूँ। और मेरे को सबसे पहले एक वुड का ब्लॉक चाहिए। यहाँ पर एक मेरे को यहाँ पर वुड का ब्लॉक दिखाइए। पहला हमारा वुड का ब्लॉक आ चुका, तो इसी को मैं तोड़ लेता हूँ। एंड इसको तोड़ने के बाद मेरे को कम से कम 2 वुड तो चाहिए ही ताकि मैं एक वुडन पिकैक्स बना सकूँ। वुडन पिकैक्स बनाना जरूरी है। और भाई ये कौन कौन से ब्लॉक स्पॉन होने जा रहे हैं, मेरे को कलेक्ट करने दो वुड। यस, कलेक्ट हो गई बड़ी मुश्किल से। भाई स्नो आ गई इधर और इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है भाई ब्लॉक। और कमांड ब्लॉक आ गया था भाई, मैंने मिस कर दिया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस बेडरॉक भी स्पॉन हो जाता है भाई। सर्वाइवल में इतने ऊपर बेडरॉक आज तक कोई नहीं लाया होगा, तो बहुत मुश्किल से। ये देखो भाई, जला दिया कैंप फायर ने मेरे को। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये। अभी भाई इतना को जला रहा है, प्लीज़ बुझा आग अंदर की जलन बुझा। हमारे को वहाँ पे एक और वुड दिखा है, इस वुड को एंशिएंट भाई मतलब पूरा नेदराइट का ब्लॉक वहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको भी मैं खोद लूँगा अगर मेरे पे डायमंड का कुछ अच्छा सामान आ गया तो। और यहाँ पे मेरे को कुछ अच्छा सा मतलब वुड ढूंढ लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को चेस्ट दिखी है, चेस्ट में कुछ ना कुछ लूटो प्लीज़। ये क्या स्पॉन काओ का स्पॉन क्यों मिला है? ये ले भाई, तू भी स्पॉन हो जा। हाय फ्रेंड, मैं बॉम्बे आया था बिजू भाई को मिलने के, बिजू भाई तो मिले नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। प्यारी सी काओ निकल ले इधर से और मेरे को अपना काम करने दे। केक भी आ गया तो मेरे खाने का भी बंदोबस्त तो हो गया है। ओके, तो ये वाली वुड तोड़ लेता हूँ क्योंकि इसी से मेरा क्राफ्टिंग टेबल और ये सारा कुछ जो है मेरे को पिकैक्स जमीन वो बन जाएगी मेरे आराम से। तो यहाँ पे मैं आराम से यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन अब पहले मेरे को ये देखो इतने सारे चेस्ट और विदर रोज इफेक्ट पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हैं। ये चेस्ट मिला, इस चेस्ट को खोल के देखते हैं। ओ भाई, ब्लेज पाउडर मिल गया मेरे को, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो मिली। चलो कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ में काम आ जाएगा, लेकिन अभी मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। निकल जा भाई, ये भाई किस किस चीज़ में मेरे को फंसा दे रहे हैं यहाँ पे, कॉप वैम में फंसा दे। 4 साल लगेंगे इससे मेरे को निकलने में बाहर। प्लीज़ निकल जा, जल्दी निकल गया, इससे निकल गया। अब मैं क्राफ्टिंग टूल में जाके सबसे पहले अपने लिए पिकैक्स बनाता हूँ क्योंकि वो सबसे जरूरी है। इसमें कुछ भी नहीं है भाई, खाली खाली शल्कर बॉक्स को दे रहे हो, भरे हुए शल्कर बॉक्स। तो यार इतना मेहनत लगती है इनको निकालने में, बार बार मुश्किलें होती हैं थोड़ी ऐसी। और पहले मेरे को यहाँ पे ये क्या, नेदर पोर्टल ब्लॉक भी भाई स्पॉन हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे तो मेरे को नेदर जाने के लिए बस इस पर खड़े होना और यहाँ पे चल जाऊँगा। यहाँ पे बी भी स्पॉन हो गई है और इस चेस्ट में भी कुछ नहीं है भाई। क्या ही घटिया चेस्ट दिए जा रहे हो मेरे को, अच्छे चेस्ट तो ना भाई। बी मेरे को छुपाइयो मत अपना स्टिंग, और पहले मेरे को वहाँ पर बना दे। मैं कहाँ पर अपना क्राफ्टिंग टेबल छोड़ के आ गया, ये भी मैं भूल गया। बेड तो मिल गया, बेड भी रख लेता हूँ क्योंकि बेड शॉर्ट टाइम काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये रख लेता हूँ मैं और मैं क्राफ्टिंग टेबल पे चलता हूँ। सबसे पहले अपने वुडन पिकैक्स बना लेता हूँ। वुडन पिकैक्स तो बना ली, लेकिन अब मेरे को स्टोन ढूंढना है। अब स्टोन ढूंढने कहाँ जाऊँ भाई, इतने सारे ब्लॉक्स स्पॉन हो गए लेकिन एक भी मेरे को स्टोन नहीं दिख रहा इसको मैं तोड़ सकूँ। यहाँ पे कोबल स्टोन स्टेयर्स मिल गई, बेडरॉक है यहाँ पे। प्लीज़ एक स्टोन वोन तो स्पॉन हो जाए, ब्लैक स्टोन चलेगा ना शायद, ब्लैक स्टोन भी तो स्टोन ही होता है भाई। हाँ वो तो चलेगा ही चलेगा। वैसे रात हो गई, सो ही जाते हैं, थोड़ा ऐसे नींद कर लेते हैं। तो गुड नाइट एवरीवन। तो चलो सुबह हो गई है और यहाँ पे मेरे को एक कमांड ब्लॉक दिख गया है। आई थिंक ये मेरा वीडियो का एंड होने वाला है क्योंकि कमांड ब्लॉक में एक बार कमांड डाल दी तुमने तो आराम से डायमंड ये क्लिक क्यों नहीं हो कमांड ब्लॉक। अरे नहीं यार, सर वाले में क्लिक ही नहीं होता कमांड ब्लॉक, बहुत सैड लाइफ है। बस हमें आराम से ढूंढते रहना पड़ेगा। पहले सब भाई क्यों चला दिया, क्यों पहले से हार्ट कम थे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। क्या पापा से चलो आसपास ही स्पॉन हुआ हूँ, यहीं पे मेरे को सारे सामान वापस से मिल गए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन मेरे को यहाँ पे ड्रैगन एग भी मिल गया भाई। ड्रैगन भी एग भी ब्लॉक होता है, मेरे को ये पता नहीं था, ऐसे थोड़ा मेरे को पता था लेकिन मैं थोड़ा ड्रामा कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को स्टोन वन मिल गया, थोड़ा गड्ढे में कूदा था तो, और इसी स्टोन की मदद से मैं स्टोन की पिकैक्स तो आराम से बना ही लूँगा। 3 स्टोन चाहिए बस मेरे को। गोल्ड्रेन भाई एक नॉर्मल ब्लॉक नहीं स्पॉन कर सकते तुम, सड़ेल ब्लॉक स्पॉन करे जा रहे हो, इसके ऊपर कैसे जाऊँ मैं भाई। क्या मेरा ब्लॉक भी कुछ और ब्लॉक बन जा रहा है भाई क्या मेरे ऊपर भी एक ब्लॉक स्पॉन कर दिया इन्होंने तो। अच्छे से आराम से निकलने दो ना बच्चे को, आराम से मैं स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ। और इस स्टोन की पिकैक्स से अब मेरे को आयरन ढूंढना है, 3 आयरन जिसको मैं स्मेल्ट करके अब आयरन की पिकैक्स बनानी पड़ेगी। आयरन स्मेल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आयरन का पूरा ब्लॉक ही मिल गया मेरे को भाई। वाह भाई वाह, बड़ा आराम से मिल गया। लेकिन मैंने पहले ही आयरन कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाके मिला मेरे को, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है लेकिन रख ही लेता हूँ, क्या काम कुछ ना कुछ काम आ जाए कभी ना कभी।
आयरन भी स्मेल्ट कर लिया मैंने, अब चल के हम सीधा सीधा आयरन की पिकेक्स बनाते हैं, ताकि मैं डायमंड ढूंढने के लिए आयरन पिकेक्स सबसे ज़रूरी है, तो आयरन पिकेक्स मैंने बना ली। अब डायमंड ढूंढने चलते हैं, और मेरे को चाहिए कम से कम, पता नहीं कितना चाहिए होता है एक सेट के लिए, शायद 34 चाहिए होते, तो मैं 34 या 35 ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला डायमंड तो यहीं पे है, और कहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डायमंड यहाँ कहीं मिल जाए तो मैं देख लेता हूँ। साइड साइड में कहीं डायमंड का ब्लॉक व्लॉक पड़ा नहीं, ये वाला डायमंड या इसी को तोड़ लेते हैं, एंड हमें मिल चुका हमारा पहला डायमंड। तो लेट्स गो, हमारा पहला डायमंड तो आ गया हमारे पास, और ये हमारे को डायमंड ब्लॉक भी मिल चुका है। तो यहाँ पे डायमंड ब्लॉक भी कलेक्ट कर लेता हूँ। पूरी इन्वेंट्री फुल रखी है भाई, क्या क्या घटिया घटिया चीज़ कलेक्ट हो रखी है मेरे में इन्वेंट्री में। चलो भाई धीरे धीरे डायमंड्स मिलते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन थोड़े थोड़े मिलते जा रहे हैं भाई। कलेक्ट तो करने दो डायमंड्स यार, क्यों क्यों इतनी खोज लिया तुम्हें, प्लीज़ मेरे को कलेक्ट करने दिया करो डायमंड्स। चलो और डायमंड्स मिल गए, काश अब कंप्लीट हो जाए, लेकिन शायद थोड़े और चाहिए मेरे को, धीरे धीरे कलेक्ट करना ही पड़ेगा। और भाई यहाँ पे इतने सारे सुअर वुअर घूम रहे हैं, इनको मैं थोड़ा खाना खिलाता हूँ, क्योंकि भूखों का खाना खिलाना अच्छी बात होती है, आपको भी एनिमल्स को खाना खिलाना चाहिए। मैं भी एक जानवर हूँ, मेरे को सब्सक्राइब की भूख है, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो भाई मैंने ऑलमोस्ट इतने सारा जगह कन्वर्ट कर लिए भाई, बहुत सारे ही मतलब कचरा बना दिया मैंने इस जगह का। तो डायमंड आई थिंक मेरे पे फुलफिल हो चुके हैं, मैं बहुत ही बार मरा हूँ, मैंने एक चेस्ट में स्टोर कर दिए इस वजह से डायमंड। यानी कौन सा चेस्ट था, मैंने कोने वाले किसी चेस्ट में जिसके पास कॉर्नर था ना, तो वहाँ पे मैंने अपने सारे डायमंड रख दिए हैं, अच्छा हुआ मरने से पहले, वरना तो मैं डायमंड लेके ही मरता लावा के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को स्पॉन वाला मिल चुका है, और यहाँ पे काओ का मेरे पे एग भी है, तो इसमें मैं जला देता हूँ, अब काओ स्पॉन होती रहेगी धीरे धीरे। और अब मैं चलता हूँ अपने डायमंड के आर्मर बनाने की तरफ, और हमारी प्यारी काओ यहाँ पे स्पॉन होती रहेगी। यहाँ पे मैं आर्मर बना लेता हूँ, पहले टोपी जूता हेलमेट सब जो भी मिल सकता है वो सब बना लेता हूँ, एंड लेट्स गो। अब हम इस कर्ज से मुक्त चुराएंगे, जैसे मैं पहन लूँगा इसको, जल्दी पहन लेता हूँ और इस कर्ज से मुक्त चुराते हैं, लेट्स गो गाइज। और जूता और मेरी पैंट का गई, यस। तो गाइज हमने कंप्लीट कर दिया है टास्क, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा एक ऐसे ही और भी मज़ेदार चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय।